ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं कई बार सोचता हूं कि एक गाड़ी पूरे देश के अंदर चलती है, लाखों किलोमीटर तय करती है और उसके साथ साथ सैकड़ों जो नियम सरकार ने गाड़ी के लिए बना रखे हैं उसकी पालना भी गाड़ी का मालिक और गाड़ी का ड्राइवर करते हैं, लेकिन कहीं एक भी चूक हो गई तो उसका जुर्माना जो है वो हजारों रुपए में भी हो सकता है और लाखों में भी। लेकिन दूसरी तरफ आप सरकार और उसकी ब्यूरोक्रेसी की नाकाबिलियत देखिए कि उस जुर्माने की राशि को भी वो ढंग से जमा नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं। ऐसी ही एक घटना हम दिल्ली को लेकर आज हम आपको बताएंगे, जहां पर सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं, उनके चलान हो रहे हैं और वो भरना भी चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि वो चलान भरे नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। इसको लेकर हमने पहले भी ट्रांसपोर्ट टीवी पर रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर हम आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि अगर आपका चलान दिल्ली के अंदर भरा नहीं जा रहा है तो उसको कैसे भरना है। तो ये जो ताजी घटना हमारे सामने आई है, ये जितेंद्र कुमार हैं, गाड़ी मालिक हैं, इनकी गाड़ी का नंबर है DL1LR8952, बलेरो गाड़ी है, CNG के ऊपर लोड वाली गाड़ी है। इनकी गाड़ी का कोई चलान हुआ है और जब ये चलान भरने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP हमें बताइए, उसके बाद ये चलान भरा जाएगा। लेकिन जिस नंबर के ऊपर वो OTP भेज रहे हैं और जो नंबर उन्होंने चलान के अंदर फीड कर रखा है वो इनका नंबर ही नहीं है। ऐसे ये अकेले नहीं है, ऐसा वहां जैसे मैंने पहले बताया कि सैकड़ों गाड़ी मालिकों के साथ हो रहा है। अब उसके नुकसान सुनिए। पहले तो जो डॉक्यूमेंट ले जाती है ट्रैफिक पुलिस अपने साथ वो उनके पास जमा रहते हैं, परमिट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो दिक्कत है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि उसकी वजह से फिटनेस नहीं होती है। गलती किसकी है? सरकार की, ट्रैफिक पुलिस की। उसके चलते परेशान कौन हो रहा है? गाड़ी मालिक। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब फिटनेस नहीं होती है लेकिन किस्तें भरनी होती हैं तो गाड़ी मालिक मजबूर हो जाता है विदाउट फिटनेस की गाड़ी चलाने को, और खुदा ना खास्ता अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत उसके ऊपर गिर सकती है, क्योंकि विदाउट फिटनेस गाड़ी चलाना उसका क्लेम नहीं मिलता है और पूरी जिंदगी के लिए जो गाड़ी मालिक है वो कंगाल हो सकता है। और जिसकी जड़ सिर्फ इतनी है कि जो सॉफ्टवेयर बना रखा है, सो कॉल्ड डिजिटल सिस्टम जो बना रखा है, उसके अंदर बेहद खामियां हैं, उसको जो ट्रैफिक पुलिस है दिल्ली की वो टाइमली ठीक नहीं करवा पा रही है। ऐसी सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, खैर ये बात पूरे देश के अंदर ही जो कंप्यूटरीकरण का सिस्टम है वो अभी परफेक्ट नहीं है, उसमें बेतहाशा गलतियां हैं, लेकिन सरकार या जो सरकारी तंत्र है उसको सुधार करने में बेहद लेट लतीफी कर रहा है, जिसके चलते ये जो गाड़ी मालिक हैं वो परेशान हो रहे हैं। खैर इस केस की आपको बात बताते हैं, जो गाड़ी मालिक हैं जितेंद्र कुमार, ये अपना चलान भरने के लिए जब ये ऑनलाइन नहीं भरा गया, OTP की प्रॉब्लम आई, उसके बाद ये दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक लाइंस हैं वहाँ पर भी गए, दरियागंज के अंदर ये स्थित है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद ये वर्चुअल कोर्ट बनी है दिल्ली के अंदर ऐसे चलानों को भुगतने के लिए, वहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। और उसके बाद कई वकीलों से भी इन्होंने बात की लेकिन कोई भी इन्हें समाधान नहीं दे सका, इनका जो चलान है वो नहीं भरा जा रहा है और जिसके चलते इनकी फिटनेस रुकी हुई है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा एक चलान हो गया था दिल्ली के अंदर, ऑनलाइन चलान हुआ था और उसका नंबर जो था मैसेज नहीं आया, जो नंबर जो है गलत हो गया था, वो नंबर भी सही करा दिया, कम से कम एक सवा महीना हो गया, मैं वो चलान भी नहीं भुगत पा रहा, ना उसका मैसेज आ रहा, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे वो कि उनका सिस्टम जो है अपडेट हो रहा है, वो कहीं पर भी मैसेज वगैरह आ नहीं रहा है। कई बार कई जगह धक्के खाया मेरी गाड़ी के, जिस कारण फिटनेस नहीं हो पाई। ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने ट्रैफिक पुलिस के कई सीनियर अधिकारियों से इसको लेकर बात की, कई ऑफिसर्स को तो इस प्रॉब्लम के बारे में ही पता नहीं था, लेकिन अंत में हमारी जो बात हुई वो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्री नरेंद्र बुंदेला जी से हमारी बात हुई टीम की, और उन्होंने कहा कि हाँ हमारे संज्ञान में है ये बात कि ऐसे करके प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं असल में, लेकिन उसके पीछे प्रॉब्लम यही है कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर बनवाया है वो किसी प्राइवेट कंपनी से बनवाया है और वो सर्विस देने में ढील कर रही है, जिसके चलते ये पूरी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि ये समझ में आता है कि आपका सिस्टम पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है, लेकिन गाड़ी मालिक कहाँ जाए, तो उन्होंने उस बात का सोल्यूशन भी दिया नरेंद्र जी ने। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर है टोडापुर के अंदर दिल्ली में, तो वहां पर जाके आप ये चलान भर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा उन्होंने सोल्यूशन ये बताया कि दिल्ली में जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, उनके पास मशीन्स हैं जो आपको पकड़ते हैं और उसके बाद चलान वहीं पर भरवा लेते हैं, आप उनके पास किसी के भी पास चले जाएं जिनके पास मशीन वगैरह हो, वहां पर जाके ये चलान भर सकते हैं, कैश में भी भर सकते हैं और मशीन के जरिए, कार्ड के जरिए भी ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं।
और उन्होंने साथ में ये भी कहा, जो बड़ी अच्छी बात हमें लगी, जो ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक नरेंद्र बुंदेला जी ने, उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मना करता है तो सीधा उनके सामने आप मेरा नाम लीजिए, वो निश्चित तौर पर आपका चलान भरेंगे और आप फिलहाल इस समस्या से बाहर हो जाएंगे और तब तक हम कोशिश करेंगे कि जो सिस्टम में प्रॉब्लम आई है उसको दूर कर लिया जाए। तो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नरेंद्र बुंदेला जी का एक बार हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ना सिर्फ जितेंद्र कुमार बल्कि सैकड़ों जो और हमारे ऑपरेटर्स हैं, कैब के, बस के, ट्रकों के या आम जो लोग हैं, वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका सलूशन बता दिया है हमें ज्वाइंट सीपी साहब ने कि जहाँ तो आप टोडापुर के अंदर जो हेडक्वार्टर है ट्रैफिक पुलिस का वहाँ पर, या फिर कहीं भी दिल्ली में आप जहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस वाले देखें जिनके पास मशीन वगैरह रहती है, जिनके पास पावर होती है चलान को कंपाउंड करने की, पैसे लेकर भरने की, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, अपना चलान दिखाइए, वहीं पर अपना चलान भर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक नरेंद्र बुंदेला जी का नाम ले सकते हैं और इस वीडियो को भी उन्हें दिखा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।